पंडित सुखराम और उनके पोते आश्रय शर्मा का 1.5 साल बाद एक बार फिर कांग्रेस पार्टी में वापस लौटने पर मंडी जिला कांग्रेस ने स्वागत किया है। मंडी जिला कांग्रेस अध्यक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि पंडित सुखराम और पूर्व में पार्टी के महासचिव आश्रय शर्मा के वापस आने से कांग्रेस परिवार में जहां बढ़ोतरी हुई है, वहीं पर मंडी जिला ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। दीपक शर्मा ने आरोप लगाया है कि भाजपा में बुजुर्गों को कभी भी मान सम्मान नहीं मिला है, वो चाहे लाल कृष्ण अडवाणी हो, मुरली मनोहर जोशी, पंडित सुखराम, शांता कुमार, खीमीराम, रूप सिंह, महेश्वर सिंह सभी घुटन महसूस कर रहे हैं। ऐसे में पंडित सुखराम और उनके पोते आश्रय शर्मा वापस कांग्रेस में आए हैं। उनका मंडी जिला कांग्रेस पार्टी स्वागत करती है। इससे न केवल कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिलेगी बल्कि कांग्रेस जनों में उत्साह है और प्रदेश के चारों सीटें कांग्रेस की झोली में डालेंगे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ये जोश भाजपा को इस चुनाव में सबक सिखाएगा। उन्होंने कहा कि मंडी संसदीय सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत पक्की है। मंडी संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, इसका निर्णय 31 मार्च को हो जाएगा। उन्होंने बताया कि 31 मार्च को दिल्ली में पार्टी हाईकमान की बैठक में प्रदेश की चारों सीटों पर उम्मीदवार तय किए जाएंगे। दीपक शर्मा ने अपनी दावेदारी के सवाल पर कहा है कि मैं दावेदार हूं क्योंकि मैंने पार्टी से टिकट के लिए आवेदन किया है। उन्होंने कहा कि ये तय करना पार्टी हाईकमान का काम है कि किसे टिकट दिए जाना है। दीपक शर्मा ने कहा कि भाजपा अब ये कहकर पर्दा डाल रही है कि पंडित सुखराम व आश्रय शर्मा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण नहीं की थी। उन्होंने कहा कि जब दोनों ने भाजपा का पटका पहनकर उनका मंच साझा किया है, जबकि 1.5 साल पूर्व उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, अब उनकी घर वापसी हुई है। जिला कांग्रेस कमेटी मंडी पंडित सुखराम जी का और आश्रय शर्मा जी का कांग्रेस परिवार में शामिल होने का स्वागत करती है। निश्चित रूप से उनके आने से कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नया उत्साह आया है, नया जोश आया है, नया जज्बा आया है और नया जज्बात आया है। और इस बार हमारी ताकत का तकाजा भाजपा सरकार को होगा और जो लोकसभा मंडी क्षेत्र की जो सीट है वो निश्चित रूप से सुखराम जी के आने पे कांग्रेस की झोली में आएगी।